हमारे साथ हमारी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल जुड़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईएएस राजेंद्र पंसोरिया वीसी आगरा बना दिए गए हैं। आईएएस अनुनय झा नगर आयुक्त मथुरा बने हैं। कई प्रशासनिक फेरबदल हुए। आईएएस अंजनी कुमार सिंह को निदेशक मंडी परिषद बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च और रिफरल अस्पताल में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। इसे लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जारी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अत्यंत गर्व का विषय है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत यूपी के सभी महिलाओं को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी के सभी जिलों में 3 केंद्रों पर महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। मुफ्त टीकाकरण अभियान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं में आत्मविश्वास के महत्व को समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी शिक्षा और ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। यूपी में बजट सत्र का आज 9वां दिन है। इस दौरान सीएम योगी ने विधानसभा में अपना संबोधन पेश किया। सीएम योगी ने बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम योगी ने सदन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी पढ़ी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में पेश किया गया सबसे बेहतर बजट है। हाथरस कांड में मुख्य आरोपी अब तक फरार है, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पुलिस ने इस कड़ी में मुख्य आरोपी पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। वहीं बाकी दोनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने इनाम की घोषणा की। युवती से छेड़खानी के विरोध में पिता की हत्या की गई थी। आरोपियों पर पहले ही एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ की आस्था परवान पर है। हरिद्वार में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू हो गई। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। पेशवाई एसएम जैन कॉलेज से शुरू होकर पूरे शहर में निकाली जा रही है। पूरे शहर भ्रमण के बाद पेशवाई निरंजनी अखाड़े में पहुंचेगी। इस दौरान पेशवाई में उत्तराखंड के संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है।